आप सभी का स्वागत है, मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वीरांगना महिला कल्याण उत्थान संस्थान के तत्वाधान में 151 महिलाओं का सम्मान समारोह राजकीय संग्रहालय में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया गया है। कार्यक्रम के आयोजक समाज सेवी सतेंद्र श्रीवास्तव अध्यक्ष ने बताया कि विगत वर्ष वृंदावन धाम में हमारी टीम मेंबरों के सहयोग से पूर्व मंत्री श्री कांत शर्मा विधायक एवं झांसी विधायक रवि शर्मा की उपस्थिति में 101 आम के पौधों का रोपण किया गया था। उनकी देखभाल की शपथ भी ली गई थी। कल 2 अप्रैल को उन्हीं टीम मेंबरों का सम्मान किया जा रहा है, जिससे उनके कार्यों से अन्य लोग भी प्रेरणा ले। इसके अलावा महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से माहवारी जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। संवाददाता संदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम लोग कल वीरांगना महिला कल्याण संस्थान एवं हेल्पिंग एंड सेवा संस्थान के तत्वाधान में 151 महिलाओं का सम्मान करने जा रहे हैं। विगत एक वर्षों में जिन महिलाओं ने हमारी संस्था के साथ मिलकर जनहित में, जन विकास में और जितने भी जागरूक अभियान हम लोग चलाते हैं, चाहे वो शिक्षा पर हो, पौधारोपण पर हो या किसी भी प्रकार का जनहित में अभियान हम लोग जो आयोजित करते हैं, उसमें जिन महिलाओं ने हमारी संस्था के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया साल भर के अंदर, इस एक वर्ष के अंदर जो भी महिलाएं अच्छा कार्य करती हैं उनके उत्साहवर्धन हेतु संस्था एक बड़ा कार्यक्रम करती है, जिसमें हम सभी महिलाओं का उनकी कार्य की वरीयता के आधार पर सम्मान करते हैं। कार्यक्रम में कौन कौन अतिथि रहेंगे? हमारे कार्यक्रम में सदर विधायक माननीय पंडित रवि शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय पवन गौतम जी, इसके साथ साथ नगर के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित डॉक्टर्स जैसे कि डॉक्टर अलका सेठी, डॉक्टर अनुपमा प्रकाश, देवप्रिया उक्सा, डॉक्टर संजय त्रिपाठी के साथ साथ कई सामाजिक हस्तियां भी मंच पर विराजमान होती हैं और सभी के कर कमलों से हम लोग वरीयता के आधार पर जो प्रथम पुरस्कार के रूप में एक एक्टिवा स्कूटर महिलाओं को प्रदान करते हैं, वो सभी के कर कमलों के माध्यम से कल उन महिलाओं को वो प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ लगभग 150 अन्य पुरस्कार के रूप में महिलाओं का सम्मान भी संस्था करती है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर लाइव न्यूज चैनल, खबर आपके लिए। गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश हुआ प्रारंभ। विद्यालय में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ज्ञान के साथ साथ बच्चों को संस्कारी बनाने का पूर्ण प्रयास। सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय सुयोग्य शिक्षक द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। विद्यालय के संचालक हैं दीपेश श्रीवास व प्रधानाचार्य रघुनंदन गौतम। कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधाएं हैं, हवादार कमरे, खेल का मैदान, पुस्तकालय, डिजिटल नॉलेज हेतु कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। प्रत्येक माह मासिक टेस्ट के साथ साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होगी। बच्चों को आने जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही लीजिए गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में एडमिशन और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए उज्जवल। और अधिक जानकारी के लिए 7007021166 और 9695415800 पर कॉन्टैक्ट करें।